Namaste, this is Gitu Mirpuri from Divine Touch Healing Academy. Divine Touch Healing Academy में Angel Therapy के classes conduct होते हैं. यहाँ आपको Angel Meditations, Angel से communicate करना आपको सिखाया जाता है. और उसमें आप Angel cards भी सीखते हैं, कैसे Angel cards को use करना है. और ये video बन रहा है Gemini राशि के लिए, कि Gemini राशि के लिए Angels का क्या message है. बेसिकली ये मैसेजेस आप जब भी वीडियो ऑन करते हैं उस टाइम के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं. सो Gemini राशि के लिए एंजल्स का क्या मैसेज है. यहाँ पर कार्ड आया है फेथ. तो Gemini राशि को बहुत ही फेथ रखना है. फेथ रखना है मीनिंग आपको सरेंडर करना सीखना है. आपको प्रेयर्स करने हैं एवरी डे कि भगवान मैंने आपके ऊपर फेथ रखा है, मेरे मन से सारे नेगेटिविटीज जैसे डर है, किसी के लिए ग्रज है, कोई भी तरह की नेगेटिविटी है, जेलेसी है, इनसिक्योरिटी है और ग्रीड है, वो सब मेरे मन से निकाल दीजिए. ईगो है, अहंकार है, ये सब मेरे मन से निकाल दीजिए. जब ये विकार निकल जाते हैं तो आप ऑटोमेटिकली फेथ रखते हैं. आपको नेचर पे फुल फेथ रखना है. आप कोई भी काम कर रहे हैं एट प्रेजेंट तो आप पूरे फेथ के साथ करिए कि ये काम जरूर होगा. और ऐसा भी सोचिए कि यहाँ तक अगर गॉड ने आपको लाया है, मास्टर्स ने लाया है, एंजल्स ने लाया है, तो आगे की जर्नी भी वो ही देखेंगे अगर आपका फेथ है तो. अगर हमारा फेथ नहीं होता है तो एंजल्स जो हमारे साथ प्रेजेंट है वो हमें हेल्प नहीं करती हैं. जैसे आप आपके फ्रेंड को गाड़ी दे रहे हो चलाने के लिए पर आपका फेथ नहीं है तो आप सिक्योर नहीं बैठे हो वहां पर उसके साथ. जब वो आपकी वाइब्रेशंस देख लेते हैं कि आप सिक्योर नहीं हो, आप सेफ नहीं फील कर रहे हो, तो आपके फ्रेंड को भी खुशी नहीं होती है आपके लिए ड्राइविंग करने में, गाड़ी चलाने में. और वो क्या करेंगे, आप ही को देंगे कि आप ही गाड़ी चलाओ क्योंकि आप सिक्योर नहीं फील कर रहे हो. इन द सेम वे गॉड हमारी लाइफ को आगे चला रहे हैं. एंजल्स, मास्टर्स, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, वो आपकी लाइफ को, हायर पावर्स आपकी लाइफ को आगे चला रहे हैं. पर आप फेथ नहीं रख रहे हैं. आप फेथ नहीं दिखा के आप दिखा रहे हैं कि आप इनसिक्योर हैं. तो उस इनसिक्योरिटी की वजह से गॉड आपकी गाड़ी आगे नहीं चलाते हैं. एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे आपको 100% फेथ रखना है. 99% फेथ रख के भी अगर हम 1% भी इनसेक्योर फील होते हैं तो एंजल्स हमारा काम नहीं करते हैं. आपको 100% फेथ रखना है और उसका एक डे टू डे लाइफ में आपको एक प्रैक्टिस करना है. जैसे आज आपने किसी छोटे काम के लिए फेथ रखा, कल आप थोड़े बड़े काम के लिए रखिए, फिर आप और थोड़े बड़े काम के लिए रखिए. ऐसे आपका फेथ बढ़ता जाएगा हायर पावर्स में. एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक पुजारी रहता है, वो कृष्ण भगवान को डेली वर्शिप करता है, कृष्ण भगवान डेली आकर उनसे बात करते हैं. और एक दिन जब वो पुजारी वॉक कर रहे थे नदी के किनारे पर तो वहां धोबियों के कपड़े सूख रहे थे और वो उन कपड़ों के ऊपर से वॉक करते हैं. धोबी नाराज हो जाते हैं और पीछे भागते हैं इस पुजारी को मारने के लिए. तो ये बहुत डर जाते हैं लेकिन एक फेथ रहता है कि कृष्णा मुझे बचाने आएंगे. ये कृष्णा को बुलाते हैं कि कृष्णा मुझे बचाने आई है. और फिर जब पीछे मुड़ के देखते हैं पुजारी तो सब धोबी काफी आगे पहुंच गए थे. इन्हें डर लगता है कि ये मुझे कभी भी मारेंगे तो खुद एक पत्थर उठा के पुजारी उन धोबियों को मारते हैं. और इन रिटर्न वो धोबी भी बहुत सारे पत्थर उठा के पुजारी को मारकर जख्मी बना देते हैं. पुजारी रोते हुए घर आते हैं, जख्म का दर्द तो था लेकिन साथ में और एक दर्द था कि कृष्णा मुझे क्यों नहीं बचाने आए. तो हमारे लाइफ के साथ भी यही सिचुएशन होता है कि हम जब दुख में हैं तो भगवान हमें क्यों नहीं मदद करने आए हैं. सुबह जब पुजारी उठते हैं, कृष्ण भगवान की मूर्ति के सामने बैठते हैं, कृष्ण भगवान वहां पर आते हैं और उनसे बात करते हैं और उन्हें कहते हैं कि मैं तो आया था तुझे हेल्प करने पर मैंने देखा तू खुद पत्थर मार रहा है तो मैं वापस चला गया. तो हमारी लाइफ के सिचुएशंस के साथ भी ऐसे ही होता है. हम 99% फेथ रखते हैं और फिर 1% हम
वो फेथ जीरो पे ला वन फेथ एकदम बंद कर देते हैं कि नहीं हो रहा है, पूजा पाठ बंद कर देते हैं, जो भी हम रिचुअल्स कर रहे हैं वो सब बंद कर देते हैं और पूरा फेथ हमारा निकल जाता है और वहीं पे ही हम एंजल्स को वापस भेज देते हैं। तो वो एंजल्स हमारा काम करने वाले हैं, मास्टर्स हमारा काम करने वाले हैं, लेकिन हमने फेथ 100% नहीं रखा। तो जेमिनी राशि, आपको 100% फेथ रखना है तो आपके काम जरूर होंगे। थैंक यू।